हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गया है टाइम अब जिसका हो रहा था हम सबको बेसब्री से इंतज़ार। तो डिलीवरी होने का टाइम हो गया है और मेरी भाभी को डिलीवरी होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो हो रही है तैयारी और आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी परेशान बैठी हुई है, डर तो लगता ही है सबको, तो यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद ये दादी, तो आप दादी बनने जा रही हैं? हाँ चलें, हाँ चलें। छोटी ये दादी बनने जा रही हैं, कल आएगा रिजल्ट। ये दोनों बच्चे बीमार हैं हमारे, हम लोग दिखाने आए थे डॉक्टर को। चलो चलो अरुष, मामी का बेबी लेने चलो। और यहाँ हॉस्पिटल जाने से पहले लिया जा रहा है अपनी सासू माँ का आशीर्वाद कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ होकर घर वापस आ जाए। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और निकलने के बाद हम लोगों ने, मतलब क्या हुआ, उसी रास्ते जा रहे थे तो वहाँ पे लखनऊ का रूमी गेट पड़ता है जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं फ़ोटोशूट के लिए। तो ये हुआ, चलो एक दिन पहले फ़ोटोशूट भी करा लेते हैं। ये बेबी होने से एक दिन पहले का है हॉस्पिटल जाने से, तो यहाँ पे इनका एक दो फ़ोटोशूट भी मैंने किया था। उसके बाद मैंने घर पे भी फ़ोटोशूट किया था, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है। और एक दो फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा था, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई थी यहाँ पे। और यहाँ पहुँचे तो आरुष ने ज़िद कर ली मामा से कि उसको कार राइड करनी है, तो यहाँ पे मामा ने इनको कार राइड भी कराया उसके बाद। और बस यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते, हमने कहा एक दिन पहले थोड़ा सा एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहे ताकि अच्छे से सब कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत डर लगता है जब डिलीवरी का टाइम आता है। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का था डिलीवरी का, तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ। जा रही है अभी, हेलो। तो इनका होने जा रहा है यहाँ ऑपरेशन, ये है हॉस्पिटल। तो आपको डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है, रात भर सोई नहीं है। अब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखते हैं। इनके जो पति हैं वो और भी डर रहे हैं, उनका भी रिएक्शन देखते हैं। चलो चलते हैं अंदर। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 6:30 बजे, क्योंकि इस डॉक्टर ने बोला था सुबह में ही, मतलब 9:30 बजे का टाइम था ऑपरेशन का दिया था, तो यहाँ पे पहुँचना था 6 बजे। और उससे पहले फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी सबसे पहले वो कराई गई थी, उसके बाद रूम वगैरह दिया था। तो ये था इनका रूम जो बाद में यहाँ पर डिलीवरी के बाद ये लोग यहाँ पर रखते हैं बेबी को, 2-3 दिन जो भी होता है। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचे उसके बाद हालत होने लगी थी खराब, डर लगता है ना जैसे जैसे टाइम आता है। तो बस उसके बाद जो भी पहले के चेकअप होते हैं वो सब किया है, तो यहाँ पे बीपी वगैरह चेक हो रहा था। उसके बाद फिर ये सब फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद इनको शिफ्ट कर दिया गया था वहीं पे जहाँ पे ऑपरेशन होता, और वहाँ पे यहाँ पे सब लोग बैठे हुए, ये इसकी बहन है, इसके भाई हैं ये लोग। और यहाँ पे अलाउ नहीं था बिल्कुल भी वीडियो वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड करना, लेकिन मैंने थोड़ा सा चुपके से किसी भी तरीके से करके मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे। और ये देखिए, हो गया हमारा बेबी हो चुका है, और मैं बन गई बुआ, ये बन गए चाचा। और अभी आए नहीं हैं ये लोग, और मैं सुबह से थी, तो मैं अब जा रही हूँ, जब आएंगे तब मैं दिखाऊंगी ये सबका रिएक्शन। यहाँ पे बहुत भीड़ है और अलाउ भी नहीं होता हॉस्पिटल में। ये देखिए, साली साहिबा खिला रही है अपने जीजा जी को, ये है नाना जी, ये है दादी, ये बुआ, चाचा है, पल्लवी का सब।